हेलो। हाँ हेलो। हाँ दर्शन आगे सब तू लोग आवाज आ रही है मेरी? यस सर। गुड मॉर्निंग सर। हम लोग कर रहे थे बोरिंग ना। हो गया था क्या? बोरिंग टूल बाकी था ना। बोरिंग टूल भी कई प्रकार का होता है, कई टाइप्स के होते हैं। ठीक है, यहाँ के अकॉर्डिंगली अगर देखें तो हम लोग को लाइट बोरिंग विद बैंड सैंड, फोर्स बोरिंग, इसमें क्या होता है ना, फोर्जिंग किया जाता है। पूरा टूल ही फोर्स फोर्स किया हुआ रहता है, मीन्स की फोर्जिंग ऑपरेशन के थ्रू हम लोग का टूल्स बनाया हुआ रहता है। फोर्जिंग ऑपरेशन में क्या करते हैं, हम लोग हीट करके उसको, उसका जो ग्रेन स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग चेंज कर देते हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, वो बहुत ज्यादा हार्डन हो जाता है। हम किसी पे तभी वर्क कर सकते हैं ना जब वो जिस मेटल पे वर्क करना है उस मेटल से ज्यादा हार्ड हो मेरा टूल, तभी तो उस पे काट सकते हैं ना। जैसे कि हम लोग को एमएस में वर्क करना होता है, यस सर, तो हम लोग क्या करते हैं, एचएसएस का यूज करते हैं, जो कि एमएस से क्या होता है, वो टफ होता है, वो हार्ड होता है, उसकी वजह से उसको कटिंग करता है। उसी तरह क्या होता है, फोर्स टूल भी फोर्जिंग ऑपरेशंस के थ्रू किया जाता है, जो कि हम लोग फोर्जिंग ऑपरेशंस कैसे करते हैं, मेटल्स का बहुत ज्यादा हीट करके उसके ग्रेन स्ट्रक्चर्स को चेंज कर देते हैं। ठीक है, सपोज इस तरह का ग्रेन स्ट्रक्चर है, कोई सपोज एक पत्ती है। ठीक है, इस तरह का एक लोहे का स्ट्रिप है, उसका ग्रेन स्ट्रक्चर इस तरह का है। इसकी हम लोग इसको एक बड़े प्लेट में काटे। ठीक है, तो प्लेट था ऐसे, इतना बड़ा था प्लेट, उसमें हम लोग इसको काट के निकाले। जब ये प्लेट बड़ा था तब उसका ग्रेन स्ट्रक्चर ही ऐसा था, इस तरफ से। है ना, अब जब इसको पतला पतला कटिंग कर दिए तब भी तो उसका ग्रेन स्ट्रक्चर वैसा ही है ना।
अब इसको मारेंगे तो उसके टूटने का ब्रेक होने का चांसेस कैसा रहेगा, इस तरह कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ से दो बराबर भागों में टूट सकता है। अब इसको हीट करके, इस वाले पोर्शंस को हीट करके क्या करेंगे, मार मार के ये जो ग्रेन स्ट्रक्चर है ना उसको हम लोग ऐसे कर देंगे, अब इसका फोर्स इस पे पड़ेगा तो क्या इधर से टूटने का चांसेस रहेगा पलटी होके? नहीं सर। तो इधर मोड़ेंगे तो टूटने का चांसेस रहेगा? नहीं, मुड़ जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। लेकिन अगर ग्रेन स्ट्रक्चर इधर से था, अगर यहाँ से मोड़ते हम लोग इसको, यहाँ से मोड़ते इधर वाला पोर्शन को, तो यहाँ से टूट जाता है क्योंकि ग्रेन स्ट्रक्चर उसको उस तरह से है। तो फोर्जिंग का ऑपरेशन हम लोग इस तरह से करते हैं। जनरली क्रेन्स का हुक्स देखे हो, क्रेन के बड़े बड़े क्रेन का हुक देखे हो ना? यस सर, जिससे लोड उठाया जाता है ना, उंगला वगैरह रहेगा, लेकिन जहाँ पे वो पकड़ता है जो हुक रहता है, देखना वो अलग ही मटेरियल का बना होता है, वो वहाँ का पोर्शन ही अलग रहता है। वरना क्या होगा, जब बड़े चीजों को उठा रहा होगा ना, वो हुक क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। लेकिन इसको फोर्जिंग ऑपरेशन करके किया जाता है जो कि बहुत मजबूत होता है, ठीक है। उसको ग्रेन स्ट्रक्चर को हम लोग चेंज किए हुए रहते हैं, इसलिए वो क्या करता है, बहुत ज्यादा लोड को झेल सकता है, रेजिस्ट कर सकता है अपने अंदर। फोर्जिंग कैसे करते हैं सर? बता तो रहे हैं, किसी भी मेटल्स को गर्म करके उसको मारते हैं, पीटते हैं उसको, ठीक है। पीट पीट के जो उसका इस तरह का ग्रेन स्ट्रक्चर था ऐसे ऐसे, उसको पीट पीट के हम लोग इधर सीधा कर दिए, ये कितना लोड सा, तब जाके इसके स्ट्रक्चर ऐसे हुआ, इधर हुआ है ना। जब उसको सोलिडिफाई हो जाएगा, मंस की वो जब ये हो जाएगा, हीट उसका कम हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा ना, अब वो ब्रेक नहीं होगा, टूटेगा नहीं। उस पर प्रेशर लगा के हम लोग उस ग्रेन स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं फोर्जिंग ऑपरेशन में, ठीक है। तो ये होता है फोर्स टूल, इसमें कोई टिप वगैरह नहीं रहता है, ये टूल के आगे पोर्शंस में ही हम लोग, ये जो पोर्शंस होता है इसी पोर्शंस में हम लोग टिप बना देते हैं और डायरेक्टली ये टूल में ही कटिंग करता है, ठीक है। इसीलिए कभी कभी अगर ब्लंट हो जाता है यहाँ पे, हम लोग को इसको फिर टीप देने में बहुत परेशानी होती है, या फिर बहुत महंगा आएगा, क्योंकि पूरा टूल ही क्या है, फोर्ज टूल है, पूरा यहाँ से यहाँ पूरा फोर्जिंग किया हुआ, ठीक है। ये सब कॉस्ट को बचाने के लिए हम लोग क्या किए, टीप वाला टूल लेके आए, जो यहाँ पे टीप लगा रहता है ना वो टूल लेके आएंगे। टूल किसी भी चीज का रहे, बस आगे का प्रोसेस मेरा टीप रहे, ठीक है। ऐसे हम लोग टूल लेके आए बाद में, जब इसमें देखने लगे कि इस तरह का प्रॉब्लम आ रही है, सपोज दिखा रहे हैं तुमको, सीएनसी टूल्स जो होती है, सीएनसी का जो बोरिंग टूल्स होता है, ये देखो दिख रहा है क्या तुम लोग को, बहुत धुंधला दिख रहा होगा? दिख रहा है सर, दिख रहा है ना। तो ये जो पोर्शन है, ये पूरा, ये पूरे जो चीज है, ये पूरा बोरिंग हेड है, ये पूरा चीज बोरिंग का हेड है ना, ये पूरा, ये जो दिख रहा है ये वाले, ये पूरा बोरिंग का हेड है, इसको बोलते हैं ब्लैक लेजन और ब्लैक। इसमें सिर्फ क्या किया हुआ, आगे वाले पोर्शन में एक येलो कलर का दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसको स्क्रू से कसा हुआ है, दिख रहा है तुम लोग को ये? Yes, sir. ये सिर्फ यही सिर्फ काम करता है, ये टिप, टिप का सिर्फ वर्क है, ये देखो यहाँ पे टिप निकला हुआ है ना, यही क्या करता है, ये अंदर जाएगा, ये जो होल किया हुआ है, इस होल को ये बड़ा करता जाएगा, हम लोग इसको शिफ्ट करते जाएंगे इधर, ये रोटेट कर रहा है या तो फिर यही रोटेट कर रहा है, जो भी रोटेट कर रहा है उसको शिफ्ट करेंगे हम लोग। इसमें जो भी वर्क कर रहा है, मतलब रोटेट कर रहा है ये, और टूल मेरा स्टेशनरी है, इसको हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये होल मेरा बड़ा होता जाएगा और इसको हम लोग नीचे की ओर ले जाते जाएंगे। जब भी हम लोग का टूल का जो टिप है ये ब्लंट कर गया या फिर अब अच्छे से वर्क नहीं हो रहा है, तो हम लोग को पूरा टूल चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये बोरिंग हेड चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ भी खराबी नहीं आएगा, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस टिप को हटाएंगे। अब फर्स्ट टूल में क्या था, ये पूरा टूल को मेरे को या तो हटाना पड़ता या तो फिर टिप को हम लोग को क्या करना पड़ता, ग्राइंडिंग करके
फिर लाना पड़ता है। लेकिन फोर्ज जो फोर्जिंग क्या होता है उसको ग्राइंड करना उतना आसान नहीं है। ग्राइंड करने जाओगे तुम्हारा जो ग्राइंडिंग मशीन का व्हील है वही तुम्हारा घिस जाएगा, इतना वो हार्ड होता है। ये सारी मुश्किलात आती थी उसपे, इसलिए हम लोग इस तरह के टूल्स का उसके बाद यूज करने लगे। ठीक है, ऐसे ही जो हम लोग अभी इसमें देख रहे थे ये वाले में, ये देखो हैवी वर्क के लिए हम लोग क्या लगाए हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को ही हम लोग लगा दिए हैं इसके। है ना, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को ही लगा दिए। अगर टिप वाली नहीं भी आ रही है तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को भी लगाने के लिए हम लोग का यहाँ पे आता है, जिसको कि हम लोग स्क्रू से लगा देते हैं। ठीक है, इसमें है मल्टी कटर, एक से ज्यादा टूल्स हम लोग लगाएंगे, बोरिंग टूल्स हैवी वर्क करने के लिए, फिर ज्यादा फंक्शंस करने के लिए, उसमें हम लोग बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग मल्टी कटर बोरिंग टूल्स। ठीक है, काउंटर बोरिंग काउंटर बोरिंग टूल है सोनिंग फिगर, इसको दिखाया हुआ है, प्रोवाइडेड विद पायलट टू इंश्योर कंसेंट्रिक डायमीटर, दोज टूल्स आर डिजाइन टू रिसेस और इनलार्ज वन इंड ऑफ ए होल। काउंटर बोरिंग मतलब कि काउंटर ऑपरेशन, काउंटर बोरिंग का ये देखो फिगर कैसे होगा, अगर इस टूल को हटा देगा ना तो ये हो जाएगा। सबसे पहले तो ये ड्रिल किया हुआ है, ठीक है, इसमें अगर थ्रू होल हम लोग बोरिंग नहीं किए, सिर्फ हमको इतना पोर्शन अब हटाना है, ऊपर में हमको चौड़ा रखना है, मतलब कि यहां से यहां तक ये पूरा हटाना है, पहले तो ये हटाया हुआ था, तो हमको सिर्फ यहां तक ये पूरा थ्रू नहीं करना, थ्रू बोरिंग नहीं करना है ना। एक साइड से देखेंगे तो यही पतला सा दिखेगा होल, दूसरे साइड से देखेंगे तो ये होल दिखेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं काउंटर बोरिंग। काउंटर बोरिंग का टूल डायरेक्ट भी डायरेक्ट लाके हम लोग वर्क कर सकते हैं इस पर। काउंटर बोरिंग एंड काउंटर सिंकिंग देखो, फिर से वही ऑपरेशन दिखा रहा है, काउंटर सिंकिंग काउंटर बोरिंग में क्या अंतर है। काउंटर बोरिंग में हम लोग एक साइड से देखेंगे तो जो होल था ड्रिल का वही दिखेगा, लेकिन दूसरे साइड से उसका डायमीटर क्या होगा, ज्यादा होगा। काउंटर बोरिंग इज द ऑपरेशन ऑफ इनलार्जिंग द होल सिलिंड्रिकली टू सर्टेन डेप्थ, है ना, एक सर्टेन डेप्थ तक आएंगे हम लोग, पूरा थ्रू होल नहीं होगा। ठीक है, एक स्टेप तक जाएगा। काउंटर सिंकिंग में क्या होगा, कोनिकल होगा, इसका जो शेप बनेगा वो कोनिकल बनेगा। हम लोग जैसे ये का यूज करते थे, सीडी का यूज हम लोग क्या करते हैं ना, काउंटर सिंकिंग के लिए भी यूज करते हैं हम लोग कभी कभी, होल करने के बाद, सपोज होल जैसे हम लोग कर दिए हैं किसी भी चीज में, है ना, ये होल कर दिया, इसके अंदर नट लेके जाना है, यहाँ पे अगर पूरा साफ एज है तो नट जाने की सुविधा होगा। देखना जनरली जो होल होता है ना, या फिर जहाँ पे हम लोग नट बोल्ट डालने के लिए यूज करते हैं, थोड़ा सा देखना यहाँ पे चैम्फर टाइप का रहता है ताकि बोल्ट अच्छी तरह से अंदर जाए, रहता है, अभी गौर किए हुए चीज रहता है ना, तो वो चैम्फर उस चीज को करने के लिए हम लोग कहते हैं काउंटर सिंकिंग ऑपरेशंस करते हैं डायरेक्टली, उसके लिए टूल आती है
या तो फिर हम लोग अगर छोटा चीज है, छोटा होल है, तो हम लोग सेंट्रल ड्रिल से भी ये वर्क कर सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल ड्रिल में क्या होता है, सेंट्रल ड्रिल जनरली देखा था हम लोग, सेंट्रल ड्रिल ऐसा था, उसके बाद यहाँ से फिर एक ट्यूब था, है ना। तो ये वाला काउंटर सिंकिंग करता है, ये वाला प्रोसेस ऊपर वाला और नीचे वाला सेंट्रल ड्रिल। अगर इस टिप को अंदर लेके जाए और इस पे वर्क करें तो वो हो जाएगा काउंटर सिंकिंग, ठीक है। इस पे अगर कटिंग करता है बस होल में चैम्फर टाइप का बना देता है, ठीक है। यस सर। तो ड्रिलिंग हो गया, बोरिंग हो गया, रिमिंग हो गया। सर काउंटर सिंकिंग में जो टूल होगा उसको अंदर नहीं लेके जाएंगे ना? हाँ अंदर लेके आएंगे, लेकिन उतना अंदर नहीं, क्योंकि काउंटर सिंकिंग क्या मतलब है, सिर्फ हमको यहाँ पे पतला सा एक ये करना, कोनिकल शेप देना इसको, ताकि अगर हम जो ये नट लेके जाएं वो आसानी से उसका माउथ में अच्छे से घुस सके, यहाँ पे उसका इनिशियल पोजिशन है वहां पे पोजिशन अच्छे से दे सके। ठीक है सर। तो हम लोग का ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ठीक है। हम लोग को अब थोड़ा थोड़ा ये लेते जाएंगे, क्या बोलते हैं, असाइनमेंट की नहीं, कोई ये ले लो, क्या बोलते हैं, अटेंडेंस ले लो, कोई देवाशीष है क्या? यस सर है। तो स्क्रीनशॉट लेके भेज दूँ। ओके सर। इसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे कास्टिंग। है ना? यस सर। कास्टिंग का क्या ओवरव्यू दे दूं आज मैं? यस सर दे दी। कास्टिंग एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है इन विच लिक्विड मटेरियल इज यूजुअली पोर्ड इनटू ए, अच्छा मैं इसको शेयर कर देता हूँ ना, तुम लोग भी देख लो उसका डेफिनेशन। Casting is a manufacturing process in which a liquid material is usually poured into a mold which contains a hollow cavity of the desired shape and then allowed to solidify. The solidified part is also known as casting, which is ejected or broken out of the mold to complete the process. Casting kya bol raha hai, ek manufacturing process hai in which jisme hum log kya karte hain, लिक्विड मटेरियल का यूज करते हैं, ठीक है। तो लिक्विड मटेरियल हमको कहाँ पे मिलेगा, मोल्टन मेटल हमको कहाँ पे मिलेगा, मेटल जो होगा उसको हम लोग क्या कराएंगे, मेल्ट कराएंगे उसके मेल्टिंग पॉइंट से गर्म करके, है ना भाई। सपोज मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं मोम, ठीक है। मोर को क्या करते हैं, हम लोग पिघलाते हैं, ठीक है, मिला लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मोल्टन शेप में आ जाएगा, और उसको फिर कटोरा में रख देंगे और आधा घंटा छोड़ देंगे तो वो सूख जाएगा, है ना। फिर कटोरा से बाहर निकलेंगे तो कैसा दिखेगा, कटोरा जैसा दिखेगा, दिखेगा। तो मोल्ड एक शेप है जिसको हम लोग को देना है, जैसा बनाना होगा हमको वो चीज,
ठीक है। मोल्ड वह चीज है जिस चीज का हम शेप बनाना चाह रहे हैं वो चीज बना हुआ है मोल्ड में। एग्जांपल दिया ना अभी हम, जैसे कि एक कटोरा, जैसे कि दिया बनाना है हमको, है ना। तो कभी कभी देखोगे ना स्टाइलिश मोमबत्ती आता है ना, जिसका दिया टाइप का शेप होता है, उस पर डायरेक्टली एक फीता निकला हुआ रहता है, उसको जलाते हैं हम लोग, फिर दिया कम्प्लीटली जल के खत्म हो जाता है। मूवी में देखा होगा यार, रोमांटिक सीन क्रिएट करते हैं हीरो हीरोइन लोग, तो अलग अलग टाइप का कैंडल्स लगा रहता है। ये देखो। यस यस सर। तो वो जो दिया रहता है वो क्या रहता है, पहले उस तरह का शेप का कोई एक मटेरियल रहता है, वो हो सकता है मेटल का हो या तो फिर वो मिट्टी का हो। तो उसपे क्या किए हैं, पहले हम लोग मोमबत्ती को पिघलाए, फिर उसमें डाल दिए, फिर एक बाती डाल दिए उसमें, और उसको क्या कर दिए, सुखा दिया। तो क्या हो जाएगा, सूख जाने के बाद जब वो सोलिडिफाई हो जाता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, हम लोग उस ये से मोमबत्ती से निकाल देते हैं, मतलब वो जो नीचे वाला जो पोर्शन है उसे निकाल देते हैं। सिर्फ क्या बनता है, हम लोग का मोमबत्ती बचता है, जो कि उस शेप का जिस सब रहता है उस शेप का बन जाता है, फिर उसको हम लोग मार्केट में अच्छी तरह से बेचते हैं। तो कास्टिंग भी वैसे ही प्रोसेस है, ठीक है। कास्टिंग भी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जिसमें हम लोग लिक्विड मटेरियल्स को, मतलब कि मोल्टन मटेरियल्स का यूज करते हैं, पोर्ट करते हैं, पोर मतलब डालना, पोर करते हैं कहाँ पे, मोल्ड में, जिस डायर शेप का हम लोग का मोल्ड चाहिए होता है उसमें हम लोग डालते हैं। व्हिच कंटेंट है, होलो कैविटी, जहाँ होलो कैविटी होगा उसमें जो डिजायर शेप होगा, हम लोग को जिस तरह का शेप चाहिए उस शेप में हम लोग उसको डाल देते हैं, फिर अलाउ टू सोलिडिफाई, काफी देर तक छोड़ देते हैं सोलिडिफाइड होने के लिए। हर एक मटेरियल का सोलिडिफिकेशन टाइम अलग अलग होगा, तो जिस मटेरियल का जितना होगा उतना देर तक हम लोग उसको छोड़ देते हैं, ताकि वो सॉलिड फॉर्म में आ जाए, लिक्विड फॉर्म में जो था वो फिर से क्या आ जाए, सॉलिड फॉर्म में आ जाए। वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मतलब उसको सुखाने के लिए। The solidified is known as casting. तो जो बन गया वही मेरा क्या हो गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कास्टिंग बोलते हैं। अब जो उसका चीज है, जैसे कि मिट्टी का दिया बनाए थे, उस मिट्टी का दिया को हम लोग हटाएंगे ना वहां से, तब तो मेरा कास्टिंग पर्सन निकलेगा। तो उसको हटाने के लिए या तो कोई इजेक्टर होगा तो उसे हटाएंगे, या फिर दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, हम लोग उस नीचे वाले पर्सन को तोड़ देंगे, ठीक है। वही बोल रहा है, वही चीज इजेक्टेड और ब्रोकन आउट ऑफ द मोल्ड टू द कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड कास्टिंग। समझ में आया थोड़ा बहुत? यस सर। अब एक फिगर दिखाते हैं, जस्ट ओवरव्यू है, ऐसा नहीं कि कंप्लीट करा दिया, ऐसा मत सोचो। ये देखो, ये पोर्शन हम लोग को बनाना है, है ना, यहाँ पे ये पोर्शन हमको बनाना था। तो हम लोग क्या किए, यहां से मोल्टन मेटल डाले, यहाँ पे आया, पूरा फील हुआ यहाँ पे, और यहाँ से दो पोर्शन होता है, एक रनर होता है, एक राइजर होता है, ठीक है, इसको राइजर भी बोलते हैं। अच्छा, इधर दिया हुआ राइजर, इधर रनर है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे रनर लिखा हुआ है। तो मोल्टन मेटल को हम लोग यहाँ से डाले, हम लोग को केविटी में यहाँ जो मेन चीज जो हमको बनाना है अंदर, ये सेंड मोल्ड है, ठीक है, यहाँ जो बनाना है हमको, तो पता नहीं चल रहा है कि मोल्टन मेटल फिल हुआ कि नहीं, कितना फिल हुआ, ठीक है। इसलिए दो चीज रहता है, एक रनर रहता है और एक राइजर रहता है। इधर से डाले, यहाँ पे आया, फिल हुआ, फिर यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पहुंच जाएगा तो हम लोग क्या जान जाएंगे कि हाँ, अंदर में पूरा पूरी फिल होके फिर ये बाहर निकल गया, ठीक है। और यहाँ पे पतला सा जगह रहता है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा और बन जाएगा तब हम लोग इस सेंड मोल्ड को, ये सेंड से बना हुआ है, इस सेंड मोल्ड को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, बालू को हटा देंगे, तो ये पोर्शन भी रह जाएगा और दूसरा सोलिडिफाइड क्या आ जाएगा, ये वाला पोर्शन भी सोलिडिफाइड हो जाएगा। हम लोग इसको यहाँ से काट के हटा देंगे,
यहाँ से काट के हटा देंगे और जो सिर्फ डिजायर शेप चाहिए होता है मेरा, जो यहाँ पे रहता है सिर्फ उसको हम लोग रख देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जब इसको प्रॉपर कराएंगे उस समय बताएंगे कि किसको रनर का क्या काम है, राइजर का क्या काम है, स्क्रू का क्या काम है, केविटी कैसे वर्क करता है, यहाँ पे कौन सा गेट होता है, गेट कितने टाइप का होता है, पैटर्न कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। पार्टिंग लाइन का क्या फंक्शन है, पार्टिंग लाइन तुम लोग अक्सर देखता होगा जग वग या फिर बाल्टी वाल्टी बनता है ना, देखना वो एक पतला सा लाइन रहता है चारों तरफ, पतला सा लाइन दिखेगा बाल्टी के ऊपर से कभी गौर करोगे तो, वो पार्टिंग लाइन होता है। मिडिल में भी दिखता है बाल्टी का। हाँ हाँ, मिडिल में एकदम पतला सा एक लाइनिंग जैसा रहेगा, लगेगा तुमको डिजाइन नहीं, वो एक्चुअली डिजाइन नहीं रहता है, फिर उठा हुआ जैसा दिखता है सर। हाँ, दो पोर्शंस होता है मोल्ड में, उसको ओपन बाहर करने के लिए है ना, कोर एंड कैविटी जिसको बोलते हैं हम लोग, कहते फिर टू पार्ट, जैसे कि ये बाल्टी है ना, ऐसे क्या हो रहा है अपना सर, सपोज ये बाल्टी है ना, इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मीट से यहां से एक इधर अलग पार्ट रखते हैं ऐसे, और एक पार्ट दूसरे टाइप रखते हैं, ये ओपन होता है फिर ये सेप निकल के बाहर आता है, ठीक है। ये जो बाहर जहां से बीच से दोनों पार्ट डिवाइड होता है ना भाई, ये बाहर कैसे निकलेगा, कैसे बाहर निकले, अगर एक सिंगल पार्ट रहेगा तो ये बाहर नहीं निकल सकता है ना, इसलिए हम लोग मोल्ड को हमेशा दो पार्ट से लेना, अगर नीचे दिया हुआ है तो देखते हैं, और अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, ये देखो ऐसे ऐसे रहता है ना, तो बाल्टी का सेप आधा इस पे बना हुआ रहेगा, बाल्टी का सेप आधा इसमें बना हुआ रहेगा ऐसे, और आधा इसमें बना हुआ रहेगा, ठीक है। ये दोनों को सटा देंगे, फिर यहां से मोटर मेटल जाएगा, इस कैविटी में फिल होगा, फिर ये इधर से बाहर निकलेगा, ये इधर से बाहर निकलेगा, और जो मेन पोर्शन है मेरा वो यहाँ से बाहर निकलेगा, है ना। तो ये जो पोर्शन है इसका थोड़ा सा पार्ट उसमें लाइनिंग रह जाता है, क्योंकि मोल्टेन मेटल रहता है ना, कितनों भी सटाएंगे ना तो थोड़ा सा जगह में भी वो तो लाइनिंग आ ही जाता है मोल्टेन, है ना, लिक्विड फॉर्म में है उसको तो थोड़ा सा भी जगह चाहिए तो वो मिल जाएगा ना, तो पार्टिंग जहां से किया हुआ है दैट मींस कि वहां थोड़ा सा जगह मिलेगा ही, उसी जगह पर वो पार्टिंग लाइन बना देता है। ना समझ में आ रहा है? यस सर। इस तरह का नेक्स्ट बढ़िया से करेंगे, ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। गेट का भी बहुत सारा टाइप है, दो दो पार्ट है, अच्छे अच्छे मशीन कंपोनेंट भी कास्टिंग से ही बन के आते हैं, उससे हम लोग डाल देते हैं, फिर ये ऊपर से लग जाता है, फिर ये निकल जाता है, जितने भी क्रिटिकल शेप पर आता है ना सब सब चीज बन रहा है। अरे ये देखे हो ईटा, ईटा देखे हो,
यस सर। ईटा बनाता है, ईटा जो बनाता है वो भी क्या है, एक मोल्ड है ना, जो ईटा का जो शेप है साचा है वो भी एक टाइप का मोल्ड है। उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, लिक्विड फॉर्म तो नहीं बोल सकते हैं, लिक्विडिफाइड पूरा लिक्विड नहीं बोल सकते हैं, जो हम लोग मिट्टी डालते हैं है ना, उस मोल्ड में डालने के बाद फिर उसको पलटी करते हैं। मोल्ड का जैसा शेप रहता है, जैसा नेम लिखा रहता है, उसका उल्टा रखते हैं हम लोग वहां पे, फाइनली उसको सूखने देते हैं तो क्या बन जाता है, ईटा बन जाता है। सेम चीज है, वो भी मोल्ड है। मजेदार चैप्टर है हम लोग के यहाँ पे, इसका है सब चीज, पैटर्न वगैरह सब चीज है, मोल्ड वगैरह हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस बार तो हम लोग ये भी लेके आए हैं, वैक्स भी लेके आए हैं, मोम भी लेके आए हैं और एल्यूमिनियम भी लेके आए, क्योंकि इससे पहले हम लोग एनएस वगैरह में करना चाह रहे थे, लेकिन हम लोग का जो फर्नेस था उतना हीट जनरेट नहीं कर रहा था कि स्टील को वो मोल्टन कर सके, लेकिन एल्यूमिनियम को बड़ी आसानी से कर दे रहा है। हम लोग लास्ट ईयर किए भी हैं, ठीक है, स्लेज हमें लग रहा है, हम लोग उसका कैविटी बनाए थे, उसको किए थे, तो हम लोग के लिए अच्छा है। इधर जो कारपेंट्री शॉप में तुम लोग जो घुसे हो, उसने के बाद जहां पे बालू रखा हुआ था, देखे थे? यस सर। उसको बोलते हैं कास्टिंग बे, वो कास्टिंग बे है, उसी में सारे इक्विपमेंट है, पैटर्न था, वुडन पैटर्न था, फिर मोल्ड बनाने का कोर एंड केविटी दोनों था, उसी पे कभी उधर गौर नहीं किए तुम लोग। एक फ्लावर पोर्ट बनाने के लिए वहां पे उसका ऑलरेडी बना हुआ भी है, तो सब सारा चीज तुम लोग को यही कराएंगे। ठीक है, अटेंडेंस दे दिया देवाशीष? हाँ सर दे दिया। डिटेल्स में पढ़ने जाए तो बहुत, मतलब ये जो गेट होता है ना, गेट का भी बहुत सारा टाइप्स है, कौन कौन सा गेट यूज करते हैं, किसमें कौन सा गेट यूज होता है। अब देखते हैं तुम लोग का पहले सिलेबस देखते हैं, कास्टिंग में कितना सिलेबस है। ठीक है, या फिर क्या क्या पूछा है कास्टिंग में, हाँ पैटर्न्स वगैरह तो है, गेट वगैरह तो है इसमें। टाइप्स ऑफ सैंड भी है, मोल्डिंग के लिए जो सैंड यूज करते हैं उसका भी टाइप्स है, ग्रीन सैंड, ड्राई सैंड, लॉन्ग सैंड, फेचिंग सैंड, ये सब सैंड होता है, और भी ढेर सारा सैंड होता है, मैकिंग सैंड होता है, कोर सैंड होता है, तो टाइप्स ऑफ सैंड भी हम लोग को पढ़ना है। बहुत बड़ा चैप्टर है कास्टिंग।
ठीक है, तुम लोग भी थोड़ा सा पढ़ लेना, देख लेना, ताकि तुम लोग समझ सको थोड़ा सा और क्वेश्चन वगैरह अराइज कर सको, वो कैसे होता है, इसको कम ऐसे पढ़े कैसे, ठीक है? तो देखना, पढ़ना तुम लोग भी, फिर क्लास में आओ, मजा आ रहा है। देखिए ये कास्टिंग मोल्डिंग ये सब क्या है ना, बहुत कोर सब्जेक्ट है मैकेनिकल का, ये सब लेथ मशीन्स हो गया, कोई भी पूछेगा जनरली। ठीक है, और क्या, इवन कोई से भी ब्रांच कर रहे हैं ना, तो ये सब उसको नॉलेज रहता है, क्योंकि ये सब फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में किए हुए रहते हैं, सब कॉमन रहता है। सिविल वाला भी अगर कभी मिल गया तो तुमको ये सब पूछ सकता है, इलेक्ट्रिकल वाला भी पूछ सकता है, क्योंकि उसको भी इस बारे में अच्छे नॉलेज रहती है। अभी इधर डाल दिया ना, पहले ही सब था फर्स्ट ईयर में। ठीक है, ठीक है सर, प्रिंट करते हैं फिर क्लास आज की। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर निकल सकते हैं? हाँ हाँ निकल सकते हैं, बोले थे तुम लोग निकल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, निकलो 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 निकलो। ये पीडीएफ सेंड कर दिए सर। ठीक है, कर देते हैं, किसमें कर दूंगी, अरे मैं खुद पढ़ रहा था, कर देंगे सेंड, बोलो बच्चे। मैंने को लगा तुम लोग सब निकल गए। बहुत अच्छा से दिया है इस पीडीएफ में, पूरा तुम लोग को सिलेबस कंप्लीट कर दिया। सर पहले का टॉपिक सब भी आप नहीं भेजे थे ग्रुप में? हाँ क्या बोले,
पहले का टॉपिक सब जो पढ़ा है वो